कांग्रेस को परिवार द्वारा संचालित पार्टी बताए जाने के मामले में अब शशि थरूर ने सफाई दी है। शशि थरूर ने कहा है कि उन्होंने ये टिप्पणी एक निजी कार्यक्रम के दौरान कही थी। ये बयान आम लोगों के बीच ले जाने के लिए नहीं दिया गया था। शशि थरूर का कहना है कि उनकी बातों को लोगों के द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया। आपको बता दें कि शशि थरूर ने इंडिया गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री को लेकर कहा था कि मेरा अनुमान है कि कांग्रेस से या तो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे जो भारत के पहले दलित पीएम बनेंगे या फिर राहुल गांधी होंगे, क्योंकि कई तरह से यह परिवार संचालित पार्टी है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट किया, मैंने जो कुछ नहीं कहा वह ये है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्टी के भीतर किसी भी सर्वेक्षण में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद होंगे। दरअसल सोमवार को तिरुवनंतपुरम में एक टेक कंपनी के नए कार्यालय के उद्घाटन के वक्त थरूर ने कहा, चुनाव परिणाम के बाद सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा और किसी एक को नेता चुनना होगा। हालांकि मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी या तो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश कर सकती है, क्योंकि कई मायनों में ये परिवार से चलने वाली पार्टी है। अगर खड़गे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए